मैं हूं विनीता मिश्रा और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और उम्मीद की जा रही थी कि आज उन्हें जमानत मिल भी जाएगी, क्योंकि जो दलील पेश की गई है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने अपनी आधी सजा जेल में काट ली है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भी कैदी अपनी आधी सजा जेल में काट चुका हो उसे जमानत दी जा सकती है और इसी बेस पे उनके वकील ने जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी और साफ कहा था कि लालू प्रसाद यादव बहुत बीमार हैं, उनको किडनी ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियां हैं और इसी बेस पे उन्हें अब जमानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं और अब उन्हें जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है। अब 11 सितंबर को यानी 11 सितंबर को हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आइए आपको सुना क्या कुछ कहा उनके वकील ने। उसमें सीबीआई के अधिवक्ता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके ग्राउंड पर उनके जूनियर काउंसिल ने समय की याचिका की और कोर्ट ने समय देते हुए 11 सितंबर को डेट उसमें रखा है सुनवाई के लिए। 4C68 से संबंधित मामला था, 11 सितंबर को सुनवाई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।